यहाँ से दिखता है हमारा पूरा गांव, बड़ा ओलियाली। चाची अरे मेरी शक्ल अच्छी नहीं हो रही है, मेरी वीडियो मत निकाल, मुझे सब देखेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी हम बैठे हैं धूप में, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2:30 बजे से, अभी 2:30 बजे हैं और हम लोग खाना आना खा के बैठे हुए हैं आज धूप में। मम्मी बैठी है यहाँ पर, ये हाय कर दिया है मम्मी ने। तो सोए थे हम लोग धूप में अभी तक, और मैंने आज अभी नहाया है सारा काम ख़त्म करके। तो अब जा रहे हैं हम लोग मम्मी की गाय के पास और आप लोगों को भी लेके चलेंगे वहाँ। तो पहले सबसे पहले चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर बने रहना लास्ट तक, खूब इंजॉय करना मेरे मायके के सारे ब्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे नानी मम्मी की गौरी के पास। ये चाची की गाय हैं दोनों, लाल वाली भी काली वाली भी। दोनों चाची की गाय हैं, चाची बैठी हैं यहाँ पर। ये है चाची, शर्म लगा रहा तुम, ये चाची बैठे हैं यहाँ पर और मम्मी की गौरी है, गुबर ही गुबर हो रही है। पूरा विदेश सुन मैंने देखना हूँ तुमसे तो देखना। चाची अरे मेरी शक्ल अच्छी नहीं हो रही है, मेरी वीडियो मत निकाल, मुझे सब देखेंगे वाल विदेशों में। क्यों और मम्मी तो नानी ने गौरी खोल दी है, नानी आ रहा आज मेरे मुंह से, किट्टू लोगों की वजह से मम्मी ने खोल दी है गाय। अब जा रहे हैं हम घर को, तो मैं दूसरे रास्ते आ गई हूँ और यहाँ से देखो ये लुट्टे लुट्टे हैं यहाँ गाजियों के इतने सारे, और यहाँ नीचे हैं बेहौल के पेड़, ये बेहौल बोलते हैं हमारे यहाँ इनको पहाड़ी भाषा में, कई जगह भीमल भी बोलते हैं इनको। तो यहाँ बहुत सारे बेहौल के पेड़ हैं, ये है भाभी लोगों का घर, और यहाँ से जाएंगे हम, और यहाँ पर लगे हैं जामीर, जामीर है ये गन्ना, और ये है हमारा सार्वजनिक नल जो बहुत पुराने सालों से है। हम बचपन में जब छोटे छोटे थे, जब हम छोटे छोटे थे तब से ये नल यहाँ पर, और यहाँ पर उखल सारी है। अब जाते हैं घर में, अंकल गाय बांध रहे हैं यहाँ पर। प्रियान से क्या कर रहा है? हाय फ्रेंड, कहले मेरे पास तो एक से एक गाड़ियाँ हैं। कौन लाया थे इतनी गाड़ियाँ, कौन लाया? आमा है वहाँ पर, आमा को खुजली होती है दिन रात। आमा की उम्र छा की कारण छा अब तो चिल्लाएगो तेको के इलाज है ना तीन। यहाँ पर आमा लोगों की गाय भैंस आमा ये नाम की रख रहा है लाटी लट्टी। आ गई मम्मी की गौरी, अभी चाली आएगा, देख मैंने चाली को बुला दिया, ये आ गया चाली, आया मेरा चाली, आया मेरा यहाँ खेत में, आ जा मैं जा रही हूँ, चाली आ मैं जा रही हूँ। क्या कर रहे हो रे किट्टू, कहाँ हैं? अरे मेरे लट्टू, कौन सी टोपी है, किसने निकाली? मैंने निकाली और खुद पहन ली। ये चा
वहां बैठी हमारी डॉली। डॉली आजा आजा डॉली, देख सो गई वो, सो गई देखा। तो हम जा रहे हैं नानी के साथ खेत में, है ना किट्टू? चला जा जा। हाँ चल 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 चल। मम्मी ला रही है गोबर और किट्टू मैं जा रहे हैं नानी को जान दे आगे से। चल चल आ जा। तो बुनू गिरेगी, यहीं पे खड़ी रहो। धूप सेको बोतो यहाँ पर, ये खेत में धूप सेको ही मम्मी और तू हैं। नीचे नहीं आते हैं, वहाँ शेर है शेर। मम्मी चले गई गोबर लेके नीचे को और हम यहीं रहने वाले हैं। तो इधर वाले खेत जहाँ हम मैं पहले गई थी, मैंने दिखाए थे वाले खेत हैं गरसिर के, वहाँ जंगल है और हमारा बगीचा है उधर। तो मम्मी वहीं जाने वाली है बगीचे के नीचे। ऊपर गाड़ी जा रही है, वो रोड है ना ऊपर से हो रही हो गल में, वो है फील्ड हमारे यहाँ का, बच्चे खेलते हैं यहाँ बगड़ का फील्ड। हाँ हाँ, हमारे पहले यहाँ हमारी रोपाई लगती थी पूरी वहाँ नीचे खेतों में, लेकिन वहाँ जो है अब देखो पूरा जंगल हो गया, वो पूरा बूढ़ी बूढ़ो रहे हैं। मम्मी वहीं गई है अभी। तो हम खेत से जा रहे हैं सीधे प्रियांशु के साथ गाड़ी में। कहाँ जा रहे हैं प्रियांशु? हम यहाँ से दिखता है हमारा पूरा गाँव बड़ा ओलियाली है ना, ओलियाली का गाँव हमारा। फ्रेंड्स हम लोग आए हैं अभी प्रियांशु और किट्टू को विभूति लगाने के लिए ऊपर वाले गांव में, और ये चाचा है हमारे जो विभूति लगा रहे हैं बच्चों को। पानी नहीं रहा है, आग बंद करो, जब मैं खोलो कहूंगा तब खोलना, अब खोलो। ये शाम को भी लगाना है, ठीक है? तो अब हम चाहते हैं घर को, और यहाँ पर है नदी, अंकल गाड़ी धो रहा है यहाँ पर। अब चलो चलो रेस लगाओ कौन पहले पहुँचता है, चलो दौड़ लगाओ। ये सब बस ये देखो, ये सब बस दोनों ब्रेव हैं। हाँ हाँ, कौन पहले पहुँचता है। तो हम पहुँच गए हैं घर में, मम्मी ने चाय भी बना दी है आकर। कहाँ ला चाय, ठंडी का होने जाना। मम्मी की चाय बन गई है देखो गुड़ के साथ, ये गुड़ है। तो अब मैं चाय पीती हूँ, पहले मम्मी वहाँ पर पी रही है वो। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अभी अड्डा को, और प्रियांशु को चोट लग गई थी चाय पीने के बाद, वो गया था खेलने के लिए तो उसके सिर में बहुत बड़ी चोट लग गई थी बॉल से, तो उसी को अड्डा लेके जा रहे हैं टांके लगाने के लिए। प्रियांशु सोया है अभी गाड़ी में, देखो ये पट्टी बांध दूंगा तो उससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। इधर का ना फटू ने छिली थी। हाँ ऐसा तो मैं बोल ही रही थी, इसका खाली मांस बाहर का वाला फट गया है, बाहर का छिल। हाँ वो जो है अंदर का दिख रहा है ना। कहाँ गया था क्रिकेट खेलने? खेला फिर? जी बोलिए। हम बस एक बार कटा नहीं है खाली, ठीक है? नंबर
यो उल्टी छ पहली यो खाया गया उल्टी ने सूजन भी नहीं आया नहीं तो सूजन आ आई है क्या आई सूजन आई यो तो आज तक दवाई दूंगा ना ऐसे ही बॉल सीधे यहीं गई शहर ना बॉल वो छिली गयो छिली गहरो ना लाग्यो हां जिस समय लगी ना हल्का रोया उस समय भी ना ना शानदार हो गया मती तो है पहले बोला आज बोलूं टांका लगे हम यो आई बहुत देखता है लेकिन बच्चा को हो जाए टांका लगे यहां नहीं टांग जी बता दो जल्दी आंख बंद कर दो आंख बंद कर दे कि टांग से कत टाइम है सर वो जो ले हां रात को भी आ गया। तो फ्रेंड्स देखिए लाइट वगैरह सब जल गई है और प्रियांशु की ड्रेसिंग हो गई है। हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं अभी और हम लोग अड्डा में ही हैं अभी। तो और देखो पूरा अंधेरा हो गया है, लाइटें जल गई हैं। तो इस ब्लॉग को मैंने इससे आगे कंटिन्यू नहीं किया है क्योंकि प्रियांशु को भी गाड़ी में नींद आ रही थी और उसके बाद घर में जाके भी हम थक गए थे, तो मैंने ब्लॉग को आगे को कंटिन्यू नहीं किया था। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और प्रियांशु को दर्द नहीं हो रही ना अब? अच्छा हो गया अब? ठीक हो रहा है अब? अंकल गया है सब्जी लेने दुकान में और अड्डा में ही अंधेरा हो गया हमको आज, लाइटें जल गई हैं सब, यहाँ बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है ना। अभी पहुँच जाएंगे हम घर में ना प्रियांशु।